जिंदर महल हराने वाला है सैथ रॉलिंस को और बनने वाला है न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन आने वाले मंडे नाइट रॉ में। ये वीडियो काफी ज्यादा मैसी होने वाली, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके नेक कम फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आने वाले मंडे नाइट रॉ में WWE ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि जिंदर महल को मिलने वाला टाइटल शॉट अगेंस्ट सैथ फ्रिकिंग रॉलिंस और यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल दांव पर होने वाला है। तो इस बारी के मंडे नाइट रॉ में सैथ रॉलिंस आए थे एंड यहाँ पर उसके बाद जिंदर महल ने इंटरप्ट किया था, उसके बाद इनकी हाथ सफाई हुई थी और उसके बाद WWE ने मैच भी फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर जिंदर महल जीत सकते हैं WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो वो कैसे, चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक ने हमारा रिटर्न किया था, उसके बाद सैथ रॉलिंस काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और उसके बाद हमें पता चल गया था कि सैथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का फ्यूड होने वाले आने वाले टाइम के रेसलमेनिया में या फिर किसी बड़े शो में, लेकिन रेसलमेनिया में हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पर आने वाले मंडे नाइट रॉ में जिंदर महल वर्सेस सैथ रॉलिंस का मैच WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कंफर्म कर दिया गया है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनकी फ्यूट होने वाले, तो यहाँ पर इस मैच के बीच में सैथ रॉलिंस के मैच के बीच में यहाँ पर सीएम पंक का इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, जिसके कारण जिंदर महल इस मैच को जीत सकते हैं, बन सकते हैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और उसके बाद से देखो इनकी फ्यूट जो है आपसी मुटाव वाली फ्यूट है, यहाँ पर टाइटल बीच में नहीं आएगा ऐसा लग रहा है मुझे। इनकी एक दूसरे के साथ ही राइवलरी होगी यहाँ पर, ना कि टाइटल बीच में आ सकता है। अगर आता भी है, अगर सैथ रॉलिंस अगर हराते हैं जिंदर महल को तो और बेटर है, बट ऐसा होगा तो अगर सैथ रॉलिंस को हरा कर जिंदर महल बनेंगे न्यू WWE चैंपियन, मेरे हिसाब से तो काफ़ी हुई थिंक होगी। यहाँ पर देखो कई सुपरस्टार्स ने यहाँ पर रिएक्शन भी दिए हैं, जैसे कि टोनी खान ने खुद यहाँ पर ट्वीट करके कहा कि मैं वो AEW वाला तो ट्वीट नहीं पढ़ूंगा जो उन्होंने कहा है, मैं यहाँ पर जिंदर महल के बारे में पढ़ूंगा। उन्होंने ये कहा है कि देखो यहाँ पर जो है जिंदर महल लास्ट ईयर कोई एक सिंगल मैच भी नहीं जीता, यहाँ पर उसे इस तरीके का पुश दे दिया WWE ने। देखो टोनी खान की तो यहाँ पर हर चीज़ में अभी उंगली करने की आदत हो चुकी है WWE के, लेकिन अभी हम दूसरे सुपरस्टार के रिएक्शन दिखाते हैं। बॉलीवुड बॉयज जिसे जिंदर महल की टीम पहले थी सिंह ब्रदर्स की, देखो उन्होंने भी जिंदर महल का पोस्ट किया। जेम्स एल्सवर्थ उन्होंने भी यहाँ पर जिंदर महल के बारे में यहाँ पर एक पोस्ट किया उनके साथ। ब्रायन एल्बर्ट जो कि उन्होंने भी यहाँ पर जिंदर महल का नाम यहाँ पर ट्विटर के ऊपर लिखा हुआ। तो दोस्तों जिंदर महल नाम पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, यहाँ पर लोग ये तक कह रहे हैं कि यहाँ पर द रॉक के बाद जिंदर महल देखो काफी बड़े ड्रॉ साबित हुए सोशल मीडिया पर, व्यूज भी उनके भी वीडियो पर आए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जिंदर महल जरूर जीत सकते हैं WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो अगर आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट करके बताएं। तो बस आज की वीडियो यही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करके ये बताएं क्या जिंदर महल WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं। एंड चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक रहना, गुड बाय, टेक।